أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लेखन ये लेकिन ये तो ओरली कर सकते हैं विच इज़ ट्रू 10 टाइम्स ऑफ 5 10 टाइम ऑफ 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 10 प्लस 5 10 टाइम्स ऑफ 5 10 प्लस 5 तो गलत है 10 टाइम्स आ जाए तो मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होगा और 10 क्रॉस 5 ये 10 टाइम 5 इज इक्वल टू 10 क्रॉस 5 10 प्लस 5 गलत आ रहा है 10 क्रॉस 5 ठीक आ रहा है अ मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर अ मीटर इज ग्रेटर देन अ सेंटीमीटर अ मीटर इज ग्रेटर देन ये जो स्पेस है इसमें ग्रेटर देन आएगा देन सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्रेटर देन अ किलोमीटर यानी फर्स्ट अ मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर ये ट्रू आएगा सेंटीमीटर ग्रेटर देन अ किलोमीटर ये गलत आएगा किलोमीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है यानी फर्स्ट में ट्रू किस तरह आएगा अ मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर ये ट्रू आएगा ये दूसरा सेंटीमीटर पर है सेंटीमीटर लेस देन ना ग्रेटर देन अ किलोमीटर किलोमीटर से लेस है सेंटीमीटर यानी सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है स्पेस में मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर ये ट्रू स्टेटमेंट आएगा अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी हम ओरली करते हैं नाइमा सिद्रा दानिया एंड फैजान आर गोइंग टू फेरिस वेल राइड एटम राइड एट द फेस्टिवल द फेरिस वेल हैज अबाउट 7 चेयर्स ओनली 4 पीपल कैन बी सीटेड इन अ सिंगल चेयर यानी फेरिस वेल में क्या है इसमें 7 चेयर्स है और ईच चेयर में 4 सीट है ईच चेयर में यानी 4 सीट 4 पर्संस इसमें बैठ सकते हैं एट अ टाइम द 4 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग यानी 7 चेयर से 4 पीपल इसमें सीट कर सकते हैं तो टोटल 28 सीट हमारे पास 28 पीपल जाएंगे वन टर्न में इन अ सिंगल चेयर द 4 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन वेटिंग फॉर द टर्न 4 चिल्ड्रन इसी तरह है कि वो लाइन में है स्टैंडिंग है और वेटिंग करें अपने टर्न के लिए देयर आर 25 पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम और इससे पहले 4 चिल्ड्रन से पहले 25 लोग एक यानी लोग लाइन में खड़े हैं विल ऑल 4 चिल्ड्रन गेट अ चांस टू राइड द फेरिस वेल इन द नेक्स्ट टर्न यानी जो नेक्स्ट टर्न में आएगा इन चारों बच्चों को चांस मिल जाएगा 25 तो इससे पहले है 7 चेयर से ईच 4 सीटेड है ये 4 सीट से ईच में तो टोटल 28 आएंगे ना तो 4 चिल्ड्रन से पहले 25 पीपल्स और भी है लाइन में इससे पहले हैं तो क्या विल ऑल 4 चिल्ड्रन गेट चांस टू राइड द फेरिस वेल इन द नेक्स्ट टर्न आर डू दे हैव द वेट फॉर अनदर राउंड यानी अब या इसको नेक्स्ट टर्न में इसको चांस मिल जाएगा या वो यानी ने अदर टर्न के लिए इसके बाद वाले टर्न के लिए क्या करेंगे इंतज़ार करेगा नहीं यानी 3 चिल्ड्रन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एंड 1 इज वेटिंग फॉर अनदर यानी 3 चिल्ड्रन जिसमें आ सकते 25 पहले है 3 और मिला के 28 आ गए तो नेक्स्ट टर्न में इसको नंबर मिल जाएगा यानी इसके लिए सीट में इस 3 को मिल जाएगा लेकिन एक को नहीं मिलेगा यानी 1 चिल्ड्रन इज वेटिंग फॉर इन क्वेश्चन नंबर 10 द चिल्ड्रन वेंट टू अ कार्निवल वेयर दे प्लेड द आइस क्यूब गेम which each child had to hold ice cube in their hands for every minute they passed by the player got 3 rupees they could use this money to buy these prizes in a carnival mein bacche gaye hain 3 children say now children went to a carnival when they played ice cube game which each child had hold आइस क्यूब्स इन दियर गेम्स फॉर एवरी मिनट दैट पास्ड बाई द प्लेयर्स 3 रुपीज दे कुड यूज दिस मनी टू प्राइज टू बाई दीज प्राइजेज द गेम स्टार्टेड एट 8 o'clock गेम कब से स्टार्ट हुआ 8 o'clock से स्टार्ट हुआ सादिया ड्रॉप द क्यूब एट 8, 9
8-9 नादियो ड्रॉप्ड एट 6 मिनट्स लेटर. 6 मिनट्स के बाद उसामा हेल्ड इट टिल द एंड ऑफ द गेम. द गेम एंडेड एट 8:18. 8 o'clock से स्टार्ट हुआ. सादिया है सादिया है, उसामा है और नादिया है. तो नादिया ने 9 मिनट के बाद जो है वो ड्रॉप कर लिया गेम को. 9 मिनट जो आइस क्यूब था इसके ड्रॉप हुआ. सेकेंड ने 6 मिनट के बाद इससे गिर गया. और लास्ट उसामा जो है उसामा ने यानी 9 मिनट आइस क्यूब जो था इसके हाथ में था, होल्ड किया था. तो हर मिनट पे इसको 3 रुपीज़ मिलते हैं. अब फर्स्ट ये कह रहे हैं हाउ मच मनी डिड ईच चाइल्ड मेक. आप देखिए 3 चिल्ड्रन है. उसामा ने तो 8 o'clock से 8:18 तक इसके पास आइस था हाथ में. गिरा नहीं है उससे ड्रॉप नहीं हुआ है. तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 3, हर मिनट पे इसको 3 रुपीज़ मिलते हैं. तो 18 मल्टीप्लाइड बाई यानी 54. 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर ले 54, क्योंकि उसने तमाम वक़्त के लिए फुल टाइम के लिए आइस क्यूब इसके ने पकड़ा हुआ था हाथ में. तो इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 54 रुपीज़ इसको मिलेंगे. सेकेंड में नादिया को कितने मिलेंगे. नादिया देखिए, नादिया ड्रॉप्ड इट 6 मिनट्स लेटर. 6 मिनट के बाद इसके हाथ से गिर गया. जो आइस क्यूब था, बर्फ था, इसके हाथ से गिर गया. तो 3 × 6 = 18 इसको कितने मिले, 18 रुपीज़. और नादिया थर्ड में जो है सादिया किसने 9 मिनट्स के बाद गिरा. 9 मिनट में 9 × 3 = 27 रुपीज़ इसको मिले. यानी उसामा को 54 रुपीज़, नादिया को 18 रुपीज़ और सादिया को कितने मिले, सादिया को 27 × 3 = 9 27. व्हाट प्राइस डिड ईच ट्रायल बाई. लेकिन इन पे वो सिर्फ ये 3 प्राइजेस है, यानी बियर है, बुक्स है, कार है, वो खरीद सकते हैं. बाकी वो अपने साथ नहीं ले जैसा कोई और चीज़ नहीं खरीद सकते. व्हाट प्राइस डिड ईच ट्रायल बाई. आप देखें तो सबसे पहले उसामा की बात करते हैं. उसामा के पास 54 रुपीज़ थे. 54 में देखिए सबसे कीमत ही फॉरेस्ट 40 है, बियर है, यानी बाई अ बियर. सेकेंड में सादिया है, सादिया के पास 27 रुपीज़ थे. वो तो कार खरीद सकता है, यानी बुक भी, यानी ये बुक खरीद सकता है. वो सामान्य बुक खरीद लिए, यानी बुक्स खरीद लिए. और सादिया ने कार 27 कार खरीद लिया. और दूसरा जो है नादिया कुछ भी खरीद नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास 18 रुपीज़ है. तो प्राइस है 40, 50, 25 है, टीन कुछ भी नहीं कर सकते. फाइंड आउट हाउ मच मनी रिमेंस विद ईच चाइल्ड. के उसामा के पास देखिए, इसने RS 50 पे किया लिया है, 50 बुक्स लिए, तो इसके पास 4 रुपीज़ रिमेनिंग लेफ्ट, 4 रुपीज़. सादिया ने तो कार खरीद लिया है, 27 टोटल इसके पास, 27 − 25 = 2 रुपीज़. और दूसरे के पास तो 18 आ जाएंगे, 18 रुपीज़ इसके पास लेफ्ट है. अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, 11 बोर्ड पे किया है. 11 आई विल वेट द फॉलोइंग का नंबर फर्स्ट में 10^3 × 10^2. इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. 10^3 मीन्स 1000. 10 × 10 × 10 यानी 10^3. 3 का मतलब है एक्सपोनेंट है कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें. 10 को क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. और 10^2 का मतलब है कि 2 टाइम, जब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते 1000 आएगा. 10^2 को 2 टाइम 100 आएगा. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, जब भी हमारे पास यानी 10^2 आएगा तो जितने भी जीरो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 और 1 हमारे पास ये आ जाएगा. ये हमारे पास आ गया 1 lakh हमारे पास है, यानी 100,000 आ गया. सेकेंड में 3^10 × 3^-3. ना 10^3 × 10^-3. 10^3 क्रॉस
जब भी हमारे पास लॉस हम पढ़ चुके हैं कि एक्स जब भी पावर नेगेटिव आ जाए तो इसको जब पॉजिटिव है करते हैं तो बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं, ये बेस इसका रेसिप्रोकल ले और पावर को प्लस कर ले, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास है। अब इसको पावर इस तरह हम कर नहीं सकते, तो ये हमारे पास जब पावर को 10 करते हैं ना पॉजिटिव करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल 10 का रेसिप्रोकल 1/10 और पावर हमारे पास 3 आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया। 10^3 का मतलब है 10×10×10 और 1/10^3 10×10×10, तो इससे हमारे पास 1000 आएगा और इससे 1000 आ गया, 0 0 1000 इज इक्वल टू 1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। 2×10^2 ब्रैकेट बिगेन क्लोज ब्रैकेट बिगेन 3×10^4 2×10^2 इज इक्वल टू 2×10^2 10 × 10 3×10^4 10 × 10 × 10 × 10 × 10 10^10 100 आएगा 10^4 10,000 आएगा, ये 2000 पर प्रोडक्ट और ये 30,000 पर 3×2 = 6 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आ गया, यानी 60 लाख कितने की इक्वल हुआ 60 लाख हमारे पास, 6 मिलियंस भी आ सकते हैं, 6 मिलियन और 60 लाख इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में 5×10 डिवाइडेड बाय 4×4 डिवीजन है, 5 इज सॉल्यूशन 10^5 डिवाइडेड बाय 10^4 डिवीजन चेंज इन टू मल्टीप्लीकेशन, इसको यानी इस तरह भी लिख सकते हैं 10^5×1/10^4 10^4 इज इक्वल टू 10^5 10^4 इस तरह भी लिख सकते हैं। आप ये 10^5 का मतलब है कि इसको 10 टाइम और इसको 4 टाइम 10 फॉर्म में लेके 10 कैंसिल 1 2 3 4 कैंसिल इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ गया, ये इसका आंसर आ गया। 1/4×5 यानी होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया 5/4, अगर इसको इसी तरह कंपाउंड फ्रैक्शन में या इसको मैक्स डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 5/4 कर ले 4 1 इज 4 रिमाइंडर 1 पॉइंट ऊपर पॉइंट डाउन कर ले 0 0 डाउन कर लिया पॉइंट का राइट स्टार्ट कर लिया तो पॉइंट को ऊपर उठा लिया 4 to 8 2 रिमाइंडर 0 20 5 20 ये हमारे पास इज इक्वल टू 1.25 भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3/4 + 1/2 फ्रैक्शन की एडिशन है, 3 क्लास में 4 क्लास में 5th 6th में हम कर चुके हैं, 4/2 का एलसीएम लिया तो 4/2 का एलसीएम 4 आएगा, 4 आ गया हमारे पास एलसीएम। अब फर्दर देखें ये तो 4 एलसीएम आ गया, अब एलसीएम हमारे पास हम इस तरह कर सकते हैं कि एलसीएम हमारे पास ये 4 आ गया, 4 एलसीएम है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ 4 मल्टीप्लाई करें एलसीएम को 4 1 3 तो डाउन कर ले क्रॉस इसके साथ कैंसिल तो 3/4 तो इसके मल्टीप्लाइड बाई 4 इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करते 4 4 कैंसिल 1 आ जाएगा इसके साथ प्लस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते 4 4 1 2 2 आ जाएगा ये तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 1 is 3 2 1 2 2 तो 3/4 आ गया 4 5/4 5/4 अभी हमने कर लिया है डिवीजन तो 5/4 इज इक्वल टू 1.2 इज इक्वल टू होल आर इज इक्वल टू 1.25 की भी इक्वल है। हाफ ऑफ 10% ऑफ 350 यानी इसी नंबर के हाफ का 10% हाफ ऑफ 350 इज इक्वल टू 175 है, 10% ऑफ 175 यानी 350 के हाफ का यानी 10/100 डिनोमिनेटर 100 आएगा क्रॉस 175 हाफ चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन 175 मल्टीप्लाइड बाय 10 1750 बाय 100 0 0 कैंसिल 10 17.5 175 10 पे डिवाइडेड कर ले 1 पॉइंट के बाद यानी 17.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 15 मिलियन, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इक्वल टू एवरेज पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी
is equal to 1.5. टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितने होंगे जब एक कंट्री की पॉपुलेशन 15 मिलियन है और एवरेज पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, इसमें इस सिटी के एवरेज पॉपुलेशन 1.5 मिलियन है, कितना है 1.5 मिलियन। तो नंबर ऑफ सिटीज मालूम करने हैं, पॉपुलेशन गिवन है 15, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 1.5, तो नंबर ऑफ सिटीज, तो टोटल पॉपुलेशन को एवरेज पे डिवाइडेड करें, नंबर ऑफ सिटीज आ जाएंगे 15 डिवाइडेड बाई 1.5, 15 क्रॉस डेसिमल को कॉमन में कन्वर्ट कर लिया, 15 डिवाइडेड बाई 15 बाई 10 आएगा, डेसिमल से खत्म कर लिया, डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन 15 क्रॉस डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, टेकिंग रेसिप्रोकल 10 बाई 15, 10 सिटीज होंगे, एवरेज पॉपुलेशन 1.5 और नंबर ऑफ सिटीज हमारे पास 10 आएंगे। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, इफ द लार्जर नंबर इज लार्ज नंबर इज 20, फाइंड स्मॉलर नंबर। सॉल्यूशन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 5, लार्ज नंबर 20 है, स्मॉलर नंबर, तो लार्ज नंबर को सम से ना और स्मॉल लार्ज नंबर से डिफरेंस को सेपरेट कर ले तो आपके पास स्मॉलर नंबर आ जाएगा, स्मॉलर नंबर इज 15। What is the measurement of side of a square with the base of 3 by 3 raised to the power 3? अब base square ये 3 raised to the power 3 आ जाएगा, ये भी 3 raised to the power 3, base हमारे पास ये base है, base of square is equal to 3 raised to the power 3 is equal to 27, side of square is equal to, so side of square is equal to 3 raised to the power 3 is equal to 27, because reason क्या है, because all sides of a square are equal in measure, क्योंकि square के all sides equal होते हैं, base हमारे पास ये है, ये side, ये side, ये side सारे equal आएंगे, तो 3 raised to the power 3 यानी 27 meter है या centimeter है, जो भी है वही आएगा। Find the side of a square of 0.5 is a fraction. Fraction में 0.5 है, solution side of a square is equal to 0.5, इसको common fraction में, तो 5 1 के लिए, 5 point के लिए, यानी पॉइंट को 1 से उड़ा दिया और 1 और राइट में जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं 0, 10, 5 बाई 10 आएगा, 5 बाई 5 1 इज 5, 5 टू 10 1 और 2 हमारे पास रिक्वायर्ड ऑफ फ्रैक्शन में आ जाएगा, कॉमन फ्रैक्शन में आ गया। इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे, यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हुआ और ये चैप्टर भी खत्म।